हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रभात। स्वागत करता हूँ फिर से एक बार बींग ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर। तो गैज, आज की वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हम तीन ऐसे स्क्रिप्ट के बारे में जो कि बहुत ही वायरल हो रही है। तो गैज, ये पहला है जियो लैपटॉप ऑफर के बारे में, दूसरा है आपको भीमराव अम्बेडकर के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भीमराव अम्बेडकर का जो जन्मदिन है वो भी थोड़ा सा क्वालिटी वाली जो है वेबसाइट है आपके लिए बनाया हूँ मैंने, और तीसरा है आपको लैपटॉप वितरण योजना जो कि नरेंद्र मोदी का है। ठीक है, तीनों आपको मिल जाएंगे रिस्पॉन्सिव, ठीक है, रिस्पॉन्सिव एड के साथ। ठीक है, तो तीनों मिल जाएंगे आपको रिस्पॉन्सिव एड के साथ। और तो गैज, आप इस वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और यहाँ पर गाइस देख सकते हो, यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है सो लैपटॉप के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिटकॉइन के बारे में जो है सो कोडिंग किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो बिटकॉइन है ना, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो कि आपको पता होगा कि सीपीसी उसकी बहुत ही हाई होती है। ठीक है, जैसे कि आपने बताया था कि आपको पेटीएम वाली स्क्रिप्ट में जो जैसे कि आपको कोडिंग किया हुआ था, जैसे वहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ था क्रिप्टो करेंसी के बारे में, वहाँ पर आप देख सकते हो कि सीपीसी 0.10 से 0.20 के बीच में रहता था। दैट्स वाई आपको सीपीसी काफ़ी अच्छी मिलती थी, वहाँ पर भी आपको क्रिप्टो करेंसी की जो है सो आर्टिकल लिखा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पर आप एड भी देख सकते हो कि आप क्रिप्टो करेंसी का एड यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप इस तरह के वेबसाइट कैसे बनाएंगे, है ना, आपको तीन स्क्रिप्ट दिया गया है, आप जो है सो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तीनों काम करता है ना। आपको जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पर दिख सकता है कि HH विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है ना। अगर देख सकते हो यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, आप उसको चेंज कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर एक लैपटॉप जो है नरेंद्र मोदी का, और जो कि वो भी आपको काम में आ जाएगा, आप उसको यूज कर लेना। ठीक है, आप कम इससे भी आराम आसानी से निकाल सकते हो डॉलर। ठीक है, तो गाइस चलते हैं अपने ट्यूटोरियल्स पर, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अभी ये लैपटॉप के बारे में। तो आपको लैपटॉप एक बात मैं यहाँ पर एक बात बता देना चाहूँगा गाइस, आपको एक डोमेन से आप कितनों सारे स्क्रिप्ट को चला सकते हो। ठीक है, तो आपका सबसे सिंपल बताता हूँ, जैसे मान लो कि मेरा वेबसाइट है 1tohindijokes.com, तो वहाँ पर अगर एक फाइल बना लेंगे यहाँ से हम, अगर तो 1tohindijokes.com/ वो फाइल का जो नाम रखेंगे वहाँ पर वो अगर डालेंगे तो मेरा वेबसाइट खुल जाएगा। तो जैसे आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ एक चीज़, आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको जाना है सी पैनल में। ठीक है, यहाँ फाइल मैनेजर में जाना है। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से सब डोमेन भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको मैं बेहतर आप बता देना चाहूँगा, आपको शॉर्टकट फाइल मैनेजर में क्लिक करना है आपको। ठीक है, और देखो जैसे मैंने कि ये bollywoodihok.com का है, तो आपको जाना है पब्लिक HTML में। ठीक है, और देखिए यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि bollywoodihok.com जो है वहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर कोई फाइल बनाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ लैपटॉप वाले में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लैपटॉप का एक फाइल बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको भी इस तरह का फाइल बनाना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और मैं जल्दी फटाफट काम कर देता हूँ क्योंकि आप ट्रेन हो गए होंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर जैसे मैं बता दूँ वहाँ पर 10 स्क्रिप्ट आपको, 8 से 9 स्क्रिप्ट देने वाले हैं, जो कि ये सारे स्क्रिप्ट आपको मिल जाएंगे। तो अभी मैं तीन स्क्रिप्ट के बारे में बात करूँगा जो कि ओके होगा अभी लैपटॉप के बारे में। ठीक है, तो ये मैं लैपटॉप पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, और आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको क्या करना है, बस दो तीन काम करना है। ठीक है, आप ऐसे जान गए होंगे कि आपको क्या करना है नहीं करना है। ठीक है ना गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो इसको रिलोड करके बहुत सारे फाइल आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँगा क्या था, bollywoodihok.com/laptop। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है मेरा वेबसाइट बना बनाया हुआ मिल गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो यही था। ठीक है, और इस तरह से आपको तीनों काम करना है। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आपको कहाँ कहाँ ऐड कोड चेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो यहाँ पर ऐड आ रहे हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, लैपटॉप। तो आपको जाना है यहाँ पर बींग ब्लॉगर में, और बींग ब्लॉगर ये जो है bingblogger.php, वहाँ पर आपको एड कोड चेंज करना है। तो यहाँ पर करेंगे कोड एडिट। ठीक है, और कोड एडिट करने के बाद एडिट पर क्लिक करेंगे। ओके, और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको खोजने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल ऐप दबाओगे और वहाँ पर सर्च के लिए फटाक से कंट्रोल ऐप दबाया मैंने, और यहाँ पर लिखेंगे एड्स वाई। ठीक है, और फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एड्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेंटर से ले करके और यहाँ पर स्क्रिप्ट के बाद ये सेंटर तक, तो इस सेंटर से पहले, ठीक है, उसको आपको डिलीट कर देनी है और अपना एड कोड डाल लेनी है और यहाँ पर सेव कर लेनी है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ओके हो गया। और इसके बाद अगर नीचे में होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक और लिखा हुआ है, फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, तो वहाँ से भी आप यहाँ पर स्क्रिप्ट से और स्क्रिप्ट तक, ये स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट तक जो होता है ना वही एड कोड होता है, तो उसको आप चेंज कर लेना। ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो बस ये था, है ना, और उसके बाद आपको कहाँ चेंज करना है तो ये मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर कुछ नाम लिख लो, ठीक है, और नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइनल HTML। तो यहाँ पर देखो फाइनल HTML, ठीक है,
तो फाइनल HTML में जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको एड कोड मिल जाएंगे। तो आपको किस तरह से सर्च करने हैं ये मैं आपको बताता हूँ, मैं लंबा खींचना नहीं चाहता, आप फटाफट काम कर लो, आपको पता हो गया होगा, मैंने इतना स्क्रिप्ट दिया है, आपको सीख गए होंगे कि आपको क्या करने हैं क्या नहीं करनी है। ठीक है, कंट्रोल एफ करेंगे, एड्स बाय लिखेंगे, ठीक है, मैं सारे में बताऊंगा नहीं, आप सीख गए हैं, ठीक है ना, तो मैं ये टाइम लेप्स करने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट है, यहाँ से स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट पर जाके क्लिक कर लो। ठीक है, अगर आप वीडियो के नए आदमी हो, पहली बार देख रहे हो, तो आप पीछे की वीडियो देख लीजिए, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आपको यहाँ पर भी अपना एड कोड डालना है और यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक करने के बाद सेव कर लेना। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट तैयार हो गई है, आपको ये वाला वेबसाइट जो है सो बन गया लैपटॉप वाली। ठीक है, अब जैसे वो ये क्या है कि विशिंग वाली, तो विशिंग वाली में क्या करना है आपको, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो विशिंग वाली में जाना है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, तो मैं इसी में दिखा देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, थोड़ा सा ये हो रहा है ना। तो गाइस फिर से आपको देना फाइल मैनेजर में, ठीक है, और मैंने यहाँ पर बनाया है भीम लिख के, ठीक है, फोल्डर बनाया है मैंने भीम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भीम लिखा हुआ है ना। तो आपको वैसे भी जो स्क्रिप्ट दिए हैं, फिर वैसे को यहाँ से अपलोड कर लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना, तो फिर आपको ये सारे कुछ मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, इसके बाद आपको करना है bingblogger.php में जाना है, कोड एडिट करना है, और यहाँ पर आप कहीं पर भी अपना एड कोड डाल सकते हो। ये नहीं कि आपको एक जगह पर ही एड डालना है, आपको जहाँ मर्जी वहाँ पर आप डाल सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको जहाँ मर्जी वहाँ पर डाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पर कुछ टाइम लग रहा है खुलने में, तब तक मैं आपको बता देता हूँ कुछ है ना। यहाँ पर आप जैसे मान लो देख सकते हो, कहीं पर भी खाली जगह है ना, देखो जहाँ पर टैग क्लोज होता है वहाँ पर आप देख डाल देना। ठीक है, देखो यहाँ पर स्क्रिप्ट क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पर आप जो है सो लाइन नंबर 26 में आप ऐड लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको जहाँ मर्जी वहाँ पर ऐड लगा सकते हो, और पहले से ऐड लगा हुआ है चेक कर लेना गाइस, आपको किसी दूसरे की ऐड को अपने वेबसाइट पर नहीं छोड़नी है। ठीक है, आपको चेंज करना ही करना है, तभी तो आपकी अर्निंग होगी, नहीं तो जिसका ऐड लगा हुआ उसका अर्निंग होगी। ठीक है, तो ये सर्च करने का सबसे आसान तरीका है, कंट्रोल एफ दबाओ, ठीक है, CTRL एफ दबाने के बाद आप लिखना है एड्स बाय, और फाइंड करोगे नेक्स्ट, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ऐड लगा हुआ है, तो आपको रिप्लेस सीट यहाँ पर मिल जाएगा, तो रिप्लेस सीट कर लेना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ओके, और आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर लेनी है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपको इसके बारे में भी करना है ना, जो कि मैंने लैपटॉप योजना वाला है। ठीक है, ये गाइज ये जो है लैपटॉप वाली वो मतलब सिमिलर है इसके। ठीक है, लैपटॉप वो जो है बॉलीवुड क्या बोलते हैं जियो वाली, केवल वहाँ पर क्या है ये फोटो चेंज हुआ है, और यहाँ यहाँ पर भी केवल एक फोटो चेंज हुआ है। ठीक है, और ये लिखा हुआ है बस H2 लाइन में, तो ही है। ठीक है, ये तीनों स्क्रिप्ट के साथ आपको सारे मतलब टोटल स्क्रिप्ट जो कि मैंने आपको दिखाया है, ये सारे स्क्रिप्ट एसपिन सोलर रेडमी ये सारे दिखाया गया है, जैसे कि आपको बता दूँ एसपिन वाली वीडियो भी आपको दिखा दिया गया है वहाँ पर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो उसको कैसे सेटअप करनी है। इतने सारे स्क्रिप्ट है ना, वो भी यहाँ पर मेनली आपको तीन मैंने दिया है, एक तो भीम वाली, एक जियो और लैपटॉप, जो तीनों नए हैं। ठीक है, और बाकी सारे पुराने हैं। ठीक है ना, और आगे स्क्रिप्ट मैं लाता रहूँगा। ठीक है गाइज, और गाइज एक बात आपको बता देना चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको बताने वाला हूँ ये, एंड गाइज नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस तरह के, जैसे आप फेसबुक पर देखते होंगे वायरल क्विज जाते हैं ना, जैसे मैं आपको दिखा दूँ एक एग्जाम्पल दे करके, bolitajo.com/test100। ओके, तो आप यहाँ पर देखते होंगे ना, आप 60 साल के बाद कैसे दिखेंगे, है ना, आपके चेहरा किस एक्टर से मिलते हैं, आप इस तरह के देखते होंगे, है ना जी। तो ये स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी विथ कंप्लीट इंस्टॉलेशन आगे की वीडियो में गाइज। ठीक है, और गाइज मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा वीडियो में लेट भी हो सकता है, क्योंकि अभी आजकल मेरा एग्जाम थोड़ा सा चल रहा है, इसमें थोड़ा मैं बिजी हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरह के स्क्रिप्ट कैसे बनानी है, और ये एडमिन पैनल आता है, विथ एडमिन पैनल जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ एकदम एडमिन लॉगिन मैं कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, शायद मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसमें एडमिन पैनल आती है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो स्क्रिप्ट आती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, और आपको किस तरह से सेटअप करनी है फुली इंस्टॉलेशन के साथ आपको ये दिया जाएगा, किस तरह से ऐड लगानी है सारे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, किस तरह से क्विज क्रिएट करना है ये सारे बात आपको मैं बता देने वाला। ठीक है गाइज, तो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए आए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई सा भी डाउट आता है थोड़ा सा भी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉल कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको कोई सा भी प्रॉब्लम आती है। तो गाइज
तो गाइज मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।